दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक होते हैं पागल एक लोग होते हैं समझदार आज हम बात करने जा रहे हैं उन पागलों के बारे में जो लोग समझते हैं कि हम समझदार हैं इन पागलों में आमतौर पर वो लोग आते हैं जो बिना वेरीफाई किए बिना किसी बात की तहकीक किए वो खबर को बोल देते हैं और इस चीज़ को हर मजहब में रोका गया है कि पहले वेरीफाई कर लो कि जो खबर है वो आया कि सच्ची है या झूठी है उसे एक बार वेरीफाई तो कर लो मगर नहीं जो लोग पागल समझदार बनने की कोशिश करते हैं तो उनको एक टाइम पे आके जो बैकफॉल है वो मिल जाता है और वो गिर जाते हैं अपनी के अपने एक लेवल से जो उनका बना होता है वो उससे गिर जाते हैं सिर्फ एक ही गंदी और वाहियात हरकत की वजह से यहाँ मैं डालना चाहूंगा लानत बहुत बड़ी अर्नब गोस्वामी पे नहीं उसकी उस इंटेलिजेंस टीम पे जो उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन ला दे रही है अर्नब गोस्वामी तो बंदा चवल है ही उसने वेरीफाई नहीं की न्यूज और वो इतने कॉन्फिडेंट होके बोल रहा है कि जैसे सारा कुछ तुझे ही पता है कि क्या खाना खा रहे हैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट मैन जब गिरता है ना यकीन माने अंदर से खुशी होती है मजा बड़ा आता है कि उसके कॉन्फिडेंस की एकदम एकदम दिल खुश हो जाता है कि क्या बात है भाई कि इसकी सही ली गई है उसकी इंटेलिजेंस टीम पर लानत इसीलिए है कि अफसोस है लानत ऐसी इंटेलिजेंस टीम पर जिसे ये नहीं पता उस होटल के फ्लोर कितने हैं लानत दो फ्लोर है कह रहे हैं पांच फ्लोर है अफसोस और बातें करते हैं आईएसआई की आईएसआई इनकी औकात से बहुत ऊपर है ये समझ ही नहीं सकते ये लोकल और बहुत ही फारिग लोग हैं कि जिनको लगता है कि हम ऐसी जब खबरें जब फैलाएंगे जब लाएंगे वो जो रेटिंग है वो मिलेगी अभिनंदन की वाली बात ठीक थी कि इंडियन मीडिया हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताता है जो कि हम देख रहे हैं कि होता आ रहा है कि वो इतना ओवर उनका जो है अर्णब गोस्वामी साहब इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं उनके अंदर इंग्लिश बोलने का कीड़ा एक बहुत ज्यादा बड़ा और जब इंग्लिश बोलते हैं साथ वो ओवर कॉन्फिडेंट जब होते हैं तो मजा आता है फिर जब वो गिरता है तो और मजा आता है वो मजा तब आया जब जब हमारे स्पोक्स पर्सन ने कहा पाकिस्तान के कि उसके सिर्फ दो फ्लोर है इतनी बिस्ती ऑन लाइव सेट क्या बात है और मुझे तो शक ये भी पड़ती है कि जो सोर्सेज न्यूजीलैंड के पास थे जो इंटेलिजेंस टीम न्यूजीलैंड की थी ना वही टीम शायद अर्नब गोस्वामी के पास भी है दोनों के सोर्सेज बिल्कुल ही फजूल थे बिल्कुल ही फुद्दू थे और बिल्कुल वा ही वाह थे जिनका कोई रियलिटी से कोई चेक ही नहीं है तो न्यूजीलैंड और अर्नब गोस्वामी आज से बैन भाई हैं क्योंकि दोनों के सोर्सेज बहुत ही गंदे बहुत ही वाहियात हैं इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद